सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको जुजुत्सु कैसन के चैप्टर 357 को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें यूजी ने सुकुना को 7 बार कंसिस्टेंट ब्लैक फ्लैश हिट किया है और सुकुना यूजी को ऐसा करता हुआ देख उसकी थोड़ी सी फट जाती है। और इस चैप्टर में गेगे ने यूजी और सुकुना के रिलेशन के बारे में कुछ ऐसा रिवील किया है जिसे सुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में उरा में सुकुना से पूछती है कि ये यूजी एग्जैक्टली है कौन, जिस पर सुकुना बोलता है कि यूजी केंजाकू का बच्चा है, पर मुझे ये नहीं पता कि केंजाकू ने इसको कौन से बॉडी से पैदा किया है। और फिर उरा में फिर से सुकुना से पूछती है कि तुम्हारी और यूजी की पावर सिमिलर कैसे है, जिस पर सुकुना बोलता है कि ये सब केंजाकू का काम है। बेसिकली केंजाकू ने मेरे जैसे एक फ्रेगमेंट के हेल्प से मेरे जैसे एक बच्चे को रिकार्नेट कर दिया और इसके कारण यूजी और मेरा सोल मतलब पावर एक जैसा है। पर यह सुन के उरा में थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। तो सुकुना अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है। जब मैं अपने माँ के पेट में था तब मैंने अपने माँ के पेट में ही अपने भाई को खा लिया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। पर जब मैंने अपने भाई को मार डाला तब मेरे भाई की सोल इस वर्ल्ड में इधर उधर घूमने लगी और फिर मेरे भाई की सोल केंजाकू के हाथों में लग गई। और ये बातें सुन के उरा में भी लाइक अच्छा ऐसा हुआ था। और फिर हमें यह बताया जाता है कि यूजी और सुकुना के पास इक्वल पोटेंशियल है। तो अब थोड़ा सुकुना के स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार सुकुना ने अपने भाई को कैसे मारा, क्योंकि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। और जब मैंने इसके बारे में सोचा तब भी मुझे इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया कि सुकुना ने ऐसा किया कैसे। और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अब यूजी और सुकुना के फाइट पे आते हैं, जहां पर सुकुना और यूजी एक दूसरे को पंचेस से मार रहे होते हैं। और तभी यूजी सुकुना को एक ब्लैक फ्लैश उसके पेट पे मारता है और इसके बाद यूजी अपने एल्बो से एक और ब्लैक फ्लैश सुकुना को मारता है। पर तभी सुकुना यूजी को उठा के दूर फेंक देता है और यूजी एक पोल को पकड़ लेता है और उस पोल के बीच वाले हिस्से को काट डालता है और वो हिस्सा सुकुना पे फेंक के मारता है। और इसी के बीच हमें ये बताया जाता है कि यूजी के पास टोटल 2 टेक्निक है। पहला है ब्लड मैनिपुलेशन और दूसरा है स्लैशेस, जो कि सुकुना यूज करता है। और ये बताने के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि सुकुना यूजी को एक किक मारने की ट्राई करता है, पर यूजी इस किक को अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर एक बार फिर से ब्लैक फ्लैश सुकुना को मारता है। और फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां पर गोजो रियू को नानामी का कर्स टूल देता है और बोलता है नानामी तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था इसलिए उसका कर्स टूल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और तभी हम करंट फाइट पे आते हैं, जहां पर रियू नानामी के कर्स टूल के साथ सुकुना पे अटैक कर देता है और ये देख के सुकुना रियू के अटैक को डॉज कर देता है। पर तभी यूजी सुकुना के पीछे आ जाता है और सुकुना को फिर से एक और बार ब्लैक फ्लैश मारता है और फिर से यूजी और सुकुना के बीच में हाथापाई चालू हो जाती है और यूजी फिर से एक और बार सुकुना को ब्लैक फ्लैश हिट करता है। पर इस बार जब यूजी सुकुना को ब्लैक फ्लैश मारता है तब सुकुना यूजी का फेस पकड़ लेता है और यूजी के हाफ फेस को डैमेज कर देता है। पर यूजी का हाफ फेस डैमेज होने के बाद भी यूजी सुकुना को एक और ब्लैक फ्लैश मारता है और ये वाला ब्लैक फ्लैश खाने के बाद सुकुना बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और यूजी पे अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी रियू नानामी का कर्स टूल लेके सुकुना के फेस पे फेंक के मारता है और फिर यूजी एक और बार सुकुना को ब्लैक फ्लैश मारता है। और लास्ट में गेगे लिखता है कि डोंट जस्ट राइवल द किंग सरपास हिम। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है कि सुकुना को हराने वाला एक ही बंदा है और वो है हमारा यूजी, जो कि अपना 100% दे रहा है, पर ये जेजेके है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।